थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोल सकते हो मेरा टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, टाइम आप पे लिखा हुआ है। जब टाइम शुरू हो जाएगा उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। शुरू हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान के सबसे प्यारे लोगों को मेरा नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में हूं, और उससे भी बड़ा सौभाग्य यह है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम में हम लोग बात कर पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि पिछले 2 साल के लंबे और कठिन अंतराल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना और अपनी वैल्यू आप समझना। पिछले 2 साल के लंबे और कठिन अंतराल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, मैं कंपनी नहीं बोलूंगा, कोई ये टीम है जो सबसे पहले आई जी स्टेडियम के अंदर आज जलवा कर रही है। ये हम लोगों के लिए बड़े प्राउड की बात है और ये इतिहास में रिकॉर्ड लिखा गया है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये रिकॉर्ड कभी मिट नहीं पाएगा कि कोरोना के इतने बड़े लंबे टाइम के बाद देश के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम के अंदर अगर किसी टीम ने अपने दम पे कोई शो किया था तो उस टीम को जो वो है जो मेरे सामने बैठी हुई है, आपको पीठ थपथपानी चाहिए इस बात के लिए कि हमें मौका मिला हुआ है। क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने रियली बहुत बड़ा काम किया है? यस दोस्तों, नाम मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, नाम तकरीबन सारे लोग जानते हैं। और मैं आपको एक ही बात बताना हूं कि कम से कम इतना काम तो करो कि आपको स्टेज पे आके अपना नाम ना बताना पड़े। मेरा आज सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि आप सब लोगों के सामने मैं खड़ा हूं, इतने बड़े स्टेडियम पे खड़ा हूं। और लोग बोलते हैं कि हमारे सपने हुआ करते थे, मैं दोस्त सच बताना, मैं दिल से बता रहा हूं कि सपने हुआ करते थे लेकिन इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। सपने तो हुआ करते थे लेकिन इतने बड़े नहीं हुआ करते थे। और इतने बड़े सपने अगर देखने की हिम्मत दी और पूरे कराने के लिए सहयोग किया और हुआ, तो आज हम सब इसके हकदार हैं। और वो इसलिए हैं कि जब मैं यहां पे आया और डांस करने की बारी आई, और मैं बताऊं आपको कि मुझे डांस नहीं आता लेकिन मैं ऐसे ऐसे करने लग गया। इसके पीछे वजह यह थी कि मैं जब ऐसे ऐसे कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि जब पहले दिन प्लान देने गया था तब कौन सा प्लान देना आता था। टूटा फूटा प्लान देना शुरू किया और एक दिन से सही बन गया तो टूटा फूटा डांस करते हैं, एक दिन से हम भी डांसर बन जाएंगे। और इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि डांसर बने या ना बने, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो तो बन ही रहे हैं। ये बात आज दोस्त, हम ऐसा बोला जाता है कि ऊपर वाला जब भी देता देता, बोले बोले, लेकिन मैं सच बताऊं आज तक मैंने किसी के घर के छप्पर फटते हुए और गड्डियां बरसते हुए नहीं देखी। आपने देखी होंगी तो बात अलग है। हाँ है, देता है रियली, लेकिन ऊपर वाला जब भी देना होता है तो किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई एक मौका देता है। और आप याद रखना, इस दुनिया के अंदर हर इंसान को ऊपर वाला एक बार कामयाब होने का मौका जरूर देता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। कुछ लोग उस मौके को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग उस मौके को नजरअंदाज कर देते हैं। यह आपके हाथ में है, आने वाले लोगों के हाथ में है कि उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं या उस मौके को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मौका ऊपर वाला सबको देता है एक बार कामयाब होने के लिए। और यह आज मौका ही है जिसकी वजह से आप और हम यहां से लेकर यहां तक अभी तक सारे के सारे लोग यहां पे अपने अपने चेयर पे बैठे हुए हैं। दोस्त, जिनको ऊपर वाले को मौका नहीं देना था
उनके घर में कोई ना कोई काम आ गया और वो आज इस हॉल में नहीं आ पाए। लेकिन आप लोगों का ऐसा कोई काम नहीं आया, इसका मतलब ऊपर वाला हमें देने के अंदर इंटरेस्टेड है, सोचना हमें है कि लेना है कि नहीं लेना। दोस्त, मैं यहां पे कई लोग बोल रहे थे कि मेरे रिश्तेदार ने मुझे प्लान दिखाया, मेरे दोस्त ने मुझे प्लान दिखाया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी में और मेरी स्टोरी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ना मेरे को मेरे दोस्त ने प्लान दिखाया, ना मेरे रिश्तेदार ने प्लान दिखाया, मैंने तो प्लान खुद ही जाके देखा, क्योंकि ऊपर वाला मौका देने के लिए तैयार था और मैं लेने के लिए तैयार था। अकस्मात जिंदगी के अंदर ऊपर वाले ने मौका दिया, लेकिन मैंने उसको नजरअंदाज नहीं किया। और आज मुझे याद है जब संजीव सर से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, उस दिन की मुलाकात से पहले मैं और संजीव सर जिंदगी में कभी आपस में ना फोन पे बात हुई थी और ना कॉलिंग पे बात हुई थी, ना मैसेंजर पे बात हुई और ना कभी आपस में मिले थे। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? मैंने बताया ना कि कैसे मौका देता, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक बार की बात है, मैं जयपुर गया हुआ था और उस टाइम मैं किसी काम से कहीं आ रहा था, मुझे याद नहीं वो कौन सी जगह है। पास्ट में जहां पे हम लोग काम किया करते थे, वहां पे मेरे पास में सेवरोलेट की क्रूज कार हुआ करती थी। और यह संयोग वंशी देखिएगा कि संजीव सर के पास भी क्रूज कार ही हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने फेसबुक पे डीपी लगाई हुई थी और PB-35 साइज नंबर था, 35 है ना, पठानकोट का, व्हाइट कलर की थी, मेरे पास ग्रे कलर की थी। मैं कहीं से आ रहा, एकदम से, आप देखिए समझे, एकदम से डिवाइडर रोड पे आ रहे हैं, इस साइड में रोड के किनारे एक व्हाइट कलर की सेवरलेट क्रूज खड़ी, मैंने सामने देखा PB-35, ऊपर लिखा हुआ ARMY मतलब आर्मी। और मैं दूसरी साइड से रोड को पार करके तकरीबन 100 मीटर आगे चला गया और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने दोबारा से मेरी गाड़ी को टर्न ले लिया। रियल है, जब मैं आगे से आया, मैंने उस गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करने के बाद मैं जब ड्राइवर साइड से निकला तो संजीव सर बराबर वाली सीट में बैठे थे, हम फेसबुक फ्रेंड थे इसलिए एक दूसरे की शक्ल से थोड़ा सा पहचान गए। जैसे ही मैं गाड़ी के नजदीक पहुंचा, सर ने बाहर निकल के और अपने मुंह से बोला, महिपाल। मैंने कहा यस, मुझे पहचान गए। और ये हमारी पहली मुलाकात थी। मैं इसलिए बोलता हूं कि ऊपर वाला जब देता है तो कोई ना कोई मौका देता है। मेरे दोस्त, उसके बाद कोई ऐसा प्लान नहीं था कि असली बेस वेलनेस करें। मामचंद सर से मैसेंजर पे बात हुई और आज भी मेरे मैसेंजर में वो चैट मिल जाएगी। मामचंद सर ने मुझे बोला कि आप अपना एड्रेस भेजिए, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट कोरियर करवाता हूं कंपनी से। मैं उस टाइम मेरठ के अंदर रहा करता था, मैंने मेरठ में मेरे घर का एड्रेस भेजा और अगले 2 से 3 दिन के बाद भाई कोरियर मेरे पास वो प्रोडक्ट पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जब रिजल्ट आया और कुछ समय के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि यार, मैं इतने दिन से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा हूं, ठीक है 8-10 हजार की नौकरी करता था, लेकिन आज लाखों रुपए महीना भी कमा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना आसान अगर एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो मेरे को मिल रहे हैं और हर घर की जरूरत है, अगर मैं इस प्रोडक्ट के साथ इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर देता हूं तो इस काम को करने में 4 चांद लग जाएंगे और मजा आ जाएगा। और मजा इस बात को मैंने समझा कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हमने किसी को प्लान दिया, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि किसी को ज्वाइन कराया, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि किसी ने आपके साथ काम करके कामयाब हुआ, फर्क इस बात से पड़ेगा कि आपके साथ एक एक प्रोडक्ट लेने वाला इंसान सामने से आपको फोन करके मिलके और आपको अप्रिशिएट करे कि सर रियली मजा आ गया आपका प्रोडक्ट लेके। और ये जब आप अप्रिसिएशन सुनेंगे, आप थैंक यू अपने कानों से सुनेंगे, आप सच मानिए आपका काम करने का हौसला बढ़ जाएगा, आपको मेहनत करने में मजा आने लग जाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कल यह काम करना, आज इस चेक के लिए और इस रिकग्नाइजेशन के लिए आप देख रहे हैं, मैं सच बताऊं कि रियली मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। अगर मेरे अंदर ऐसी कोई पावर होती तो मैं पहले से भी कुछ हो सकता था। ये पावर हम लोगों के जिंदगी के अंदर असली में वेलनेस आई
जिसके वजह से आप और हम आज कामयाबी के शिखर की ओर चढ़ते जा रहे हैं। आज हमें जितना धन्यवाद दे मेरे दोस्त उतना कम है। और मैं ये बोलूं कि हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है इस ब्रह्मांड की शब्दावली में कि हम इस कंपनी के रचयिता, इस प्रोडक्ट को बनाने वाले, इस कॉन्सेप्ट को, मॉडल्स को तैयार करने वाले, हम लोगों के बारे में सोचने वाले हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव सर को जितना धन्यवाद दें मेरे दोस्त उतना कम है। बस मैं एक ही बात बोल सकता हूं मानचंद सर को और संजीव सर को कि क्या से क्या बना दिया आपने, देखते देखते हमें तो पता भी नहीं चला सर। क्या से क्या हो गए, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था यार। एक छोटे से सपने के साथ आए थे कि ठीक है एक अच्छी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन धीरे 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 धीरे, लेकिन मैंने एक काम किया और मैं आज आपको बता रहा हूं कि वो काम आपको करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा विश्वास अगर मैंने किया तो अपने आप पे और कंपनी के प्रोडक्ट पे किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, लोग तो हमें तब भी बोलते थे कि सर कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट खाके कोई मर गया तो, आपको भी बोलते हैं। लेकिन दोस्त प्रोडक्ट खाके मर गया तू, पिछले 7 साल के अंदर ऐसा एक केस नहीं आया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको असलीफेस वेलनेस के प्रोडक्ट ने एक नई जिंदगी देने का काम किया है। आप मुझे बताइए जिन लोगों का प्रोडक्ट देते हैं उन लोगों ने में से आपने ऐसे लोगों को देखा है कि नहीं देखा। मैं अभी कुणाल सर के साथ बैठा हुआ था और इन्होंने मुझे बोला कि सर एक चमत्कारी रिजल्ट, और जब वो रिजल्ट को देखा तो मुझे लगा कि क्यों ना उनको स्टेज पे बुलाया जाए। और दोस्त मैं कॉल करूंगा आपके, वो अपना रिजल्ट खुद ही बताएंगे, आप सुनना उनसे एक बार, अगर आपको आंखों में आंसू ना आ जाए तो मुझे बोलना। कुणाल सर क्या नाम था उनका, उनका नाम सुलोचना था, कुछ प्रॉब्लम थी वो खुद ही बताएंगे। एक जोरदार ताली। आप जब उनके बारे में सुनेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए। आप जो भी आपको रिजल्ट आया आप सच सच बताना, सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं। नमस्ते नमस्ते, माझं नाव सुलोचना, मेरा नाम सुलोचना काशीराम गायकवाड है, मैं बंबई से हूँ। मेरे को 20 में पहले लॉकडाउन में पैरालिस हुआ था और अपने प्रोडक्ट से एसलीबीएस के प्रोडक्ट से मेरे को बहुत आराम आने और मैं ऐसे अच्छे हो गई, थंडर ब्लास्ट और थोड़ा और मेरी तबीयत बिल्कुल वीक हो गई थी, इसलिए इम्यूनोडॉक जैसे आयल और पंचतुलसी ये प्रोडक्ट मेरे को दिए थे। आप क्या चल पाते थे पहले, एक मिनट, चल पाते थे? ये चल नहीं पाते थे और आज आप देखिएगा अपने पैरों पे चल के आ रहे हैं आप। पूरा कब से नहीं चल पा रहे थे आप? पहला लॉकडाउन हुआ था 10 मई 2020 को मेरे को पैरालिस हुआ था। मैडम आपको कब पैरालिस हुआ था, कितने दिन प्रोडक्ट खाए आपने? मैं अभी 5वां महीना चालू है, 5 महीने से खा रही हूँ। अच्छा, कितने दिन में आपको रिजल्ट आ गया था प्रोडक्ट खाने के, कितने दिन में आपको फर्क गिर गया था? 1 महीने में। आपको हमारे प्रोडक्ट खाने से पहले आपका बॉडी कैसा था, मतलब क्या दिक्कत थी आपके सामने? मेरा पहले से घुटना, पूरा घुटना ना घूम जाता था पहले से, तो मेरे पति ने बहुत सारा, वो भी आर्मी में थे, बहुत सारा दवा किया था मगर कुछ इलाज नहीं था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को पैरालिस हुआ तो अच्छा हुआ, क्योंकि उसके वजह से मेरा पैर का जो घुटना घूमता था
वो गए और पूरी अभी ठीक हो गए, मेरे को चलने में दिक्कत नहीं, सोती हो तो बहुत आराम आता है, नहीं तो कभी सोती भी नहीं थी कि नींद नहीं आती थी, ऐसे दर्द होता था कि पूरे बदन में दर्द होता था। मगर ये संजीवनी सर संजीव है, मगर संजीवनी सही में बूटी बनाए हैं, ये प्रोडक्ट बनाए हैं, उनके लिए मैं बहुत उनका अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। आपने देखा, लोग ऐसा बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट खाने के बाद लोग मर जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये प्रोडक्ट खाने के बाद जो लोग जिंदगी जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, उनको एक नई जिंदगी देने का काम असली पेस वेलनेस के प्रोडक्ट करते हैं। और आज इस प्रोडक्ट ने मुझे ताकत दी काम करने के लिए, और इस ताकत की वजह से हम लोगों को ये रिजल्ट आया कि आज अगर बताएं कि जब अचीवमेंट के बारे में हम लोगों से बात करते हैं तो लोग यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि ऐसा पिछले कई सालों से हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हुआ ही नहीं है। मैं दोस्त, जब मैंने पहली बार जैगवार ली थी, आप यकीन करो कि लोग हमारे प्लान पे और हमारे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करते, लेकिन पहली बार जब मैंने जैगवार ली थी, इस दुनिया ने उसको भी नकली बताया था। जब पहली बार जैगवार ली थी, लोगों को जैगवार देखने में इंटरेस्ट नहीं था, उसकी आरसी देखने में इंटरेस्ट हुआ करता था। जब पहली बार मैंने जैगवार ली थी, तब लोगों ने यह भी बोलना शुरू किया कि कंपनी ने फ्री में दे दी होगी। जब पहली बार जैगवार के पोस्ट मैंने फेसबुक पे डाले, तो दुनिया ने यह भी बोला कि शोरूम में जाके फोटो खिंचवा ली होगी। और जो ऐसा बोलने वाले थे, उनमें से बहुत सारे लोग आज इस कंपनी में आके डायमंड भी बन चुके हैं। जो बन चुके हैं और जिन लोगों को भरोसा नहीं था, वो लोग पक्का इस बात पे यकीन करेंगे। और दोस्त, मैं बताना, इतना बड़ा सपने नहीं थे यार, सपने देखने की हिम्मत अगर दी तो असली बेस वेलनेस ने दी, और सपने पूरे भी करवाए तो असली बेस वेलनेस ने करवाए। मैं इस कंपनी में लाख रुपए महीना कमाने आया था, सच बताऊंगा, लेकिन जितना आपने सुना है कि आदमी जितना चलता है उतना ही उसको आगे दिखाई देता है। मैंने लाख भी कमाए, 5, 10, 15, 20 लाख भी कमाए, और आज आपको बताऊं, ये अविश्वसनीय लेकिन सत्य है। और ध्यान से सुनना, आईजी स्टेडियम से बोल रहा हूं, क्योंकि कमाते हैं वो एक नंबर का कमाते हैं, इसलिए कोई डर भी नहीं है। आज एज एवरेज अगर मंथली बात करूं तो आधा करोड़पति हर महीने बन जाता हूं। आधा करोड़पति मतलब 50 लाख, 50 लाख रुपए महीना। किसी को ऐसा लगता है कि ऐसे फेंक रहे हैं, मेरे दोस्त फेंक सकते हैं, लेकिन जिनके सामने फेंक रहे हैं, इतने लोग कहां से लाएगा फेंकने वाला आदमी। सफर यही शुरू नहीं, खत्म नहीं हुआ। कुछ समय पहले मेरे को ऐसे ही बैठे बैठे शौक आया कि एक गाड़ी और ले जाए, तो मैंने सोचा यार कुछ ऐसा इतिहास बनाते हैं, ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं कि जो किसी ने नहीं किया वो हम लोग करते हैं। और मैंने एक, मेरे टीम में आज 150 से ज्यादा गाड़ी, ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगवार जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां मैंने मेरी टीम में ले लाई, और मैंने मेरी टीम के सामने सबसे छोटी गाड़ी लेके आ गया। सबके गाड़ी में 5 लोग 7 लोग बैठते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग बैठते हैं। मेरे को किसी ने पूछा कि सर आप 2 सीटर क्यों लाए, इसका फायदा क्या है? और मैं आपको सच बताऊं कि मैं 2 सीटर क्यों लाया उसकी वजह बताता हूं। जानना चाहते हैं? सारे लोग जानना चाहते हैं? मेरे दोस्त, बात यह है कि आप जिंदगी में कुछ भी बन जाना, कभी भी बन जाना, लेकिन जिंदगी में अपने पास्ट को मत भूलना,
आप कितनी ही ऊंचाई पे चले जाएं, लेकिन आपके पैर हमेशा जमीन पे रहने चाहिए। और मेरे पैर आज जमीन पे इसलिए हैं, आराम से सुनना, कि जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत की थी तब मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी और उस साइकिल पे भी दो ही सीट थी और आज भी मेरी गाड़ी में दो ही सीट। आज भी मुझे याद है कि दो सीट से शुरुआत की थी सफर और आज भी दो सीट पे ही, मतलब घमंड नाम की चीज है। दो सीट दो ही है और आपको बताऊं होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप कुछ बनने के बाद किसी को लग सकता है कि मैं मेरी वजह से बना, लेकिन दोस्त ये हकीकत ये है, इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर कुछ भी बनता है तो मात्र 10% रोल अपना होता है, ओनली 10%, 90% रोल बाकी के संसाधनों का होता है। हम कुछ भी बन जाएं, अगर प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आया तो कंपनी हमारी पैसा मात्र 2 घंटे में ट्रांसफर करती है, अगर बाकी कंपनियों की तरह एक एक महीने में करे तो, अगर हमारे कोरियर की डिलीवरी फास्ट नहीं हुई तो, अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो क्या मैं जहां हूं क्या यहां पहुंच सकता हूं? इसका मतलब ये याद रखना, और मैं हमेशा याद रखता हूं कि मैं जो भी हूं मैं मेरा 10% रोल निभा रहा हूं, 90% रोल मेरे को सपोर्ट में मिला हुआ है, इसलिए मैं जानता हूं और मैं ये मानता हूं कि ये चीज बड़ी मुश्किल से मिली है यार। मेहनत करने की बात करते हैं हम लोग, परेशानी आने की बात करते हैं, अरे कहां परेशानी है, जब एग्जाम देते हैं तो रात को 5 घंटे की जगह 3 घंटे सो के काम चलाते हैं कि नहीं चलाते? जब एक किसान फसल करता है और फसल कटी हुई होती है और कटी होने के बाद अचानक बारिश आती है, उसकी फसल बर्बाद होती है कि नहीं होती? क्या फर्क पड़ता है कोई प्रोडक्ट लेगा कोई नहीं लेगा, कोई हाँ करेगा कोई ना करेगा, लेकिन मुझे यह मालूम है कि मैं अगर चलता रहूंगा तो कोई ना कोई आदमी मेरा साथ देने वाला मिल जाएगा। और आज साथ देने वाले मिले, और आज साथ देने वाले मिले, जो मिले वो इस कोने से लेकर और इस कोने तक बैठे हुए हैं दोस्त। आज किसी ने कमाया, पिछले महीने मेरा रॉयल एम्बेसडर कंप्लीट हुआ, और आप जानते हैं रॉयल एम्बेसडर पे चेक कितना आता है, 50,000। मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब आप ज्यादा कमाते हैं तो आप 10% और 5% नहीं, आप 30% टैक्स पे करने के हकदार होते हैं, मालूम है? और खुशी की बात यह नहीं है कि चेक 2,85,00,000 का था, क्वालिफाई हुआ, खुशी की बात यह है कि उस महीने 30% के हिसाब से बात करें 1,00,00,000 रुपए टैक्स देने का भी हकदार बना। समझ रहा है तो यह मत देखिएगा कितना कमाया, समझ रहा है तो यह देखिएगा कि 1,00,00,000 रुपए एक महीने के अंदर टैक्स देने का हकदार बनाया तो स्लीपेस वेलनेस ने बनाया यार, इससे बड़ी टेस्टिमनी और अचीवमेंट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। कोई क्या बोले कोई क्या बोले, लेकिन इससे बड़ी देश सेवा भी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आप जो टैक्स पे करते हैं वो कहीं ना कहीं देश के विकास में और देश की सेवा के अंदर ही उसका इस्तेमाल होता है। आज बताते हुए खुशी है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से मैं तो करोड़पति बनने आया था, सिर्फ करोड़पति बनने आया था, लेकिन संजीव सर ने इस सोच को डेवलप किया और ये बात बताया कि बेटा यहां पे करोड़पति नहीं, असली पे वेलनेस तो सिर्फ अरबपति बनाने की फैक्ट्री है, मशीन है। और आज अरबपति बन तो नहीं पाया, लेकिन जानना चाहते हो टोटल कितना माल अंदर किया? जानना चाहते हैं? टोटल मैंने छोटा सा पैसा कमाया,
जो कि सिर्फ 30 करोड़ रुपए है। बहुत छोटा पैसा है, बड़ी गरीबी में जिंदगी चल रही है। क्योंकि मेरा सच बताऊं, मैंने पहले भी बोला था, असलीपीएस वेलनेस हमें ये औकात देती है कि आप 50 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए महीना भी कमा सकते हैं। और ये असलीपीएस वेलनेस हमें इस लायक बनाती है कि आप 30 करोड़ पे रुकना नहीं दोस्त, अरबपति की स्टेम हिंदुस्तान में किसी कंपनी से लोगों के लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन असलीपीएस वेलनेस से जरूर लगेगी, ये मेरी गारंटी है। और इसलिए मैंने ज्यादा पैसे क्यों कमाए उसका एक राज की बात बताऊंगा आपको, जानना चाहते हैं? क्योंकि मैं मेहनत आपसे ज्यादा करता हूं। आप जब आए थे तब से जो सीट है उसी पे बैठे हुए हैं, और इस हॉल में सबसे ज्यादा बार सोफे से अगर स्टेज पे आ जाया कोई तो वो मैं आया हूं। आपने मुझे आते हुए देखा, डायमंड भी थे, ब्लू डायमंड भी थे, ब्लैक डायमंड भी थे, रॉयल डायमंड भी थे, सब में बुलाया। मैंने संजीव सर के कान में बोला, मैंने कहा सर हर बार मत बुलाओ, कितने चक्कर हो गए, थोड़े कम करवाओ। तो सर ने बोला पैसे कम कमा रहा है क्या? मैंने कहा तो फिर चलता हूं सर। तो ज्यादा मैं बार बार आया यहां इसलिए ज्यादा माल बन रहा है। तो ये यकीन मान लीजिएगा कि जितने ज्यादा पैसे आप कमाएंगे उसके बदले में उतनी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्या करने के लिए तैयार है? और जब आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो एक चीज, आपने जो सपने देखे हैं और आपके दिल में जो सपने आ रहे हैं, वो एक एक सपना, एक एक ड्रीम्स यहाँ पे आपके और आपके परिवार के पूरे हो सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आज हम धन्य हो गए कि असलीपीएस वेलनेस वाला प्लेटफॉर्म मिला। पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिनकी वजह से आज यहाँ पे हमें काम करने का मौका मिला। दोस्त आज के बाद, इस महाकुंभ के बाद यहाँ बैठा हुआ एक एक फाइटर पूरी जान लगा देना, पूरी ताकत लगा देना। अब तक तो असलीपीएस वेलनेस के माध्यम से हिंदुस्तान में जलवा हुआ है, अगली बार हम विदेश में थाईलैंड में जलवा करने वाले हैं। क्या करने के लिए तैयार है? पूरी जान लगा देना। कंपनी ये बोलती थी कि थाईलैंड और विदेश सिर्फ वही आदमी जा सकता है जो टोपाज बनेगा, लेकिन इस बार संजीव सर ने एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि बिना टोपाज बने हुए एक फ्रेशर भी थाईलैंड जाके दिखा सकता है। ऐसा मौका बार बार मने आएगा। आज हम आईजी स्टेडियम के अंदर जश्न कर रहे हैं, विदेश के अंदर जब करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि कोई कंपनी है जिसने टंके हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक बजा रखे हैं। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? आप चलने के लिए तैयार हैं? दोस्तों मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यही है आपका साथ और प्यार यूं ही बना रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में हम लोग राज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।